हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू क्लास और हम आज बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स आपके टीजीटी और पीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं इस इस वीडियो में हम कंप्लीट उनको देखेंगे दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत शॉर्ट में आप लोगों को देखने को चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको जो एम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लोग डायरेक्टली इसे चूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके हम इसे देखें ये तो आप लोगों के ट्वेंटी जो हैं मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के साथ मैं समझाऊंगा आप लोगों को लेकिन इसके बाद जो फाइनली इनको समझने के बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का क्या है कि लिटल टर्म्स इन वन लाइन और ये आप लोगों को शॉर्ट किए गए हैं जैसे एम्बिग्यूटी मल्टीपल मीनिंग कंसीट एक्सटेंडेड मेटाफा पैराडॉक्स कॉन्ट्रोडिक्टी बट ट्रू इस तरह से आप लोगों को क्या मिलेंगे देखिए पैथेटिक फैलेसी एस्क्राइब इनएनिमेट ह्यूमन कैपेबिलिटीज सिनेक्डॉग सिनेक्डॉग क्या होता है पार्ट्स स्टैंड्स फॉर अ होल एंड ट्रांसफोर्ड एपिथेट इसे हाइपेलेस भी बोला जाता है और इंटरचेंज भी इसको बोला जाता है मेटनमी सब्सिट्यूटिंग बाई वर्ड्स एंड एंटीथिस पुट टुगेदर कॉन्ट्री थिंग्स आपको डायरेक्टली क्या करना है इनको इसी तरह से याद करते चले जाना है तो काफी सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के आएंगे वो डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं तो चलिए आप शुरू से इसे देख लेते हैं ये बेसिकली टीजीटी एंड पी जी टी लेवल के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपका यू नेट लेवल के लिए है वो थोड़ा सा अलग हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है लेकिन टी और पी लेवल जब हम बात करते हैं तो हम फैक्ट वाइज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ फैक्ट वाइज़ ही आपको डायरेक्टली क्या करना है कोई बहुत ज़्यादा एनालाइज़ नहीं करना होता है चीज़ों को डायरेक्ट फैक्ट वाइज़ चीज़ों को लिखना होता है तो डे फोर्थ में हम यही कम्प्लीट करने वाले हैं एल की क्लास में सम इम्पॉर्टेंट लिटरी टर्म्स तो पहले है आप लोगों का एम्बिग्यूटी एम्बिगुटी का मतलब होता है मल्टीपल मीनिंग या हम कहें कि एक मीनिंग से ज़्यादा अगर किसी वर्ड का मीनिंग निकलता है तो वहाँ पे हमें एम्बिगटी देखने को मिलती है दूसरा है आपका प्लोरिजिगनेशन ये इसमें एम्बिगटी का ही ये दूसरा नाम है और आप इसे मान सकते हैं कि प्लूरल से ये वर्ड बना हुआ है और एम्बिगटी का ही दूसरा नाम है और फॉल्ट इन स्टाइल को हम एम्बिगुटी का इसका सेकेंड नेम मानते हैं अब इसके बाद है आप लोगों का कंसीट द टर्म इंडिकेटेड एंड पर्टिकुलरली फेंसीफुल एक्सप्रेशन ऑफ विट जब हम कंसीट की बात करते हैं कन्सीट टर्म uh, क्या है ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और कंसीट uh, जो है ये मैटाफर से भी रिलेटेड है बट एक अनयूजअल जो मैटाफर होता है अगर हम बात करें कि अनयूजअल मैटाफर इज़ कॉल्ड कंसीट इसे हम uh, इसी सेंस में कंसीट भी कहते हैं मेटाफर यू नो दैट वी कंपेयर थिंग्स जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को और इसका अगर हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का सोनेट वन थर्टी है शेक्सपियर का माई मिस्ट्रेस आइज़ आर नथिंग लाइक सन तो जो आइज़ uh, को कंपेयर यूजली uh, किया जाता है तो सन से कंपेयर नहीं किया जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को कंसीड देखने को मिलेगा सिडनी के आर्केडिया में Uh, हमें देखने को मिलता है माई ट्रू लव है माई हार्ट एंड आई हैव हिज तो इस तरह से आप लोगों को जब अनयूजअल कंपेरिजन देखने को मिलेगा तो आप उसे क्या कहते हैं कंसीट कहते हैं पैराडॉक्स पैराडॉक्स में है अ सिचुएशन और फ्रेज दैट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट्री कई बार हमें एक सिचुएशन हो सकती है फ्रेज हो सकती है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होती है अपोजिट होती है तो आप सिंपली पैराडॉक्स का अपोजिट आप लोग याद रख लीजिए ठीक है आप लोग इसे करेंगे अपोजिट अ सिचुएशन और फ्रेज दैट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रोडिक्टी बट विच कंटेन्स अ ट्रूस वर्थ कंसीडरिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपोजिट या कॉन्ट्रोडिक्टी तो होगा लेकिन उसमें कोई ना कोई सेंस होता है जैसे इन ऑर्डर टू प्रिजर्व पीस वी मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए वॉर तो और जो पीस है शांति है दोनों अपोजिट हैं लेकिन दोनों का सेंस बनता है इस सेंटेंस की वजह से इसलिए यहां पर क्या है हमारा पैराडॉक्स है पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी बहुत पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी लेवल पे जॉन रस्किन इन्वेंटेड इन 1856। तो इसको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पैथेटिक फॉलेसी है वो किसने इसको इन्वेंट uh, किया था कॉइन किया था तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन एनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि इन एनिमेट होना चाहिए ठीक है जिसे हम निर्जीव बोलते हैं सो इन एनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट स्क्राइब टू देम ह्यूमन कैपेबिलिटीज सेंसेशन एंड इमोशंस ओके एंड इन मॉडर्न पेंटर्स देयर वर इट वॉज मैंशन तो पैथेटिक फैलेसी हम कब कहेंगे कि जब किसी को अगर हम uh, कहेंगे कहें कि लीव्स आर डांसिंग तो लीव्स मीन्स पत्तियां कभी डांस नहीं करती लेकिन अगर हमने उन्हें एनिमेट मान लिया है और उन्हें एनिमेट की तरह हम ट्रीट करना शुरू कर दें तो उसे ही हम पैथेटिक फैलेसी वहां पर बोलेंगे उसके बाद है आप लोगों के लिए सिनेकडॉक सिनेकड डॉक क्या होता है ये इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड जो सिनिकडॉक है उसका ग्रीक में मीनिंग होगा टुगेदर टेकिंग टुगेदर मीन्स साथ रखना ठीक है लेकिन सिनेिकडॉक का मतलब होता है अपार्ट फॉर समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल ठीक है जैसे हम कहें कि टेन हैंड्स फॉर टेन वर्क वर्किंग मैन तो अगर हमारे पास हम बोले कि अच्छा हमारे पास तो uh, दस हाथ हैं तो दस हाथ का मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास दस लोग काम कर रहे हैं ओके okay, तो हम कहेंगे कि दस हाथ हैं ठीक है तो इस तरह से हम जब एक पर्टिकुलर पार्ट part के लिए बोले कि और वो रिप्रेजेंट करे होल को राइट right? ये आप काफ़ी इजी हो गया है इस एग्जांपल से कि हम कहें कि दस आदमी हैं तो हम कहें कि दस हाथों का ये काम है दस हाथों का काम है कहने का मतलब हाथ जो है वो क्या कर रहे हैं हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे एक आदमी को कर रहा है तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको किसी लाइन में दिखती है तो वहाँ पर डॉग आप आ, उसको सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफर्ड एपिसेट ट्रांसफर्ड एपिसेट क्या होता है यहाँ पर हम इंटरचेंज की बात करते हैं एक्सचेंज की बात करते हैं और इसमें आ, जैसे अब इंटरचेंज या एक्सचेंज क्या होता है सेंस एक्सचेंज हो जाता है जैसे हम बात करें हैप्पी मॉर्निंग अब मैं कहूंगा कि इट वॉज हैप्पी मॉर्निंग तो में मॉर्निंग हैप्पी नहीं थी आदमी हैप्पी था ओके अब क्योंकि आदमी हैप्पी था तो मीनिंग आदमी से हमने कहाँ डाल दिया है मॉर्निंग में डाल दिया है अगर मैं कहूंगा रेस्टलेस नाइट रेस्टलेस नाइट मीन्स परेशान रातें अब रात तो परेशान नहीं थी इंसान परेशान था लेकिन उसने क्या वर्ड यूज किया रेस्टलेस नाइट तो इस तरह से हमें क्या करना है देखना है कि अगर कहीं पे जो मीनिंग है उसका एक्सचेंज हो जा रहा है सेंस का एक्सचेंज हो जा रहा है तो हम उसे ट्रांसपोर्ड एपिसेट कहेंगे अगला आपका मैटेमी मैटनमी है आपका ग्रीक इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ नेम अगर कहीं पे क्या हो रहा है चेंज ऑफ नेम तो आप उसे मैटनमी कहेंगे मैटनमी का एक एग्जाम्पल काफी मींस सभी को पता होता है जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ या आप लोग सुन लीजिए कि हम बोलते हैं पेन इज माइटियर देन सॉर्ड ठीक है तो हम सॉर्ड बात कर रहे हैं पेन की बात कर रहे हैं अब पेन का मतलब क्या है पेन का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट ओके यहाँ पे पेन का मतलब क्या है शॉर्ट या विचार से है सॉर्ड का मतलब है मिलिट्री से सो so, मिलिट्री की बात हो रही है यहाँ पे ओके मिलिट्री पेन एंड शोर्ड राइट right. तो क्या कर दिया है पेन ने किसको रिप्लेस किया है सॉर्ड को रिप्लेस किया है और शोर्ड ने किसको रिप्लेस किया है मिलिट्री को रिप्लेस किया है तो हम क्या कर रहे हैं एक किसी चीज़ से पूरी किसी दूसरी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जैसे अगर हम पूरी आर्मी है हमारे पास यहाँ पर हम आर्मी बना लेते हैं और ये जो पूरी आर्मी है ठीक है इसको हमने सॉर्ड या तलवार से क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है तो यहाँ पे हम हमें देखने को मिल रहा है मैटनमी ऑलराइट? राइट अब देखिए दो चीज़ें थी यहाँ पे हो गया आपका मैटनमी हो गया और एक चीज़ और थी आप लोगों के ऊपर सिनिकडॉक और फिर तीसरी चीज़ है आप लोगों का मेटाफर तो तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि मैटनमी मैटनमी कहाँ पर होगा और सैनिकडॉक कहाँ पर होगा सिनेकडॉक में क्या होता है कि हम किसी एक इंसान का जैसे इंसान के लिए मैंने हाथ वर्ड यूज किया था कि हमारे पास दस हाथ हैं मीन दस इंसानों के लिए तो वो उसी का पार्ट होता है और राइट यहाँ पर आप देखेंगे ये हाथ जो है इसी इंसान का पार्ट है जो ये हाथ था इसने इसी को रिप्लेस किया है ओके तो, तो सिनिक डॉक होगा बहुत ध्यान से इसे समझिए ठीक है ये क्या आप लोगों का सिनिक डॉक है अगर हाथ क्या कर रहा है इंसान का हिस्सा है और इसी इंसान को क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पे सिनिक डॉक है जबकि मेटरनिमी में, में क्या होता है कि ये जो तलवार है वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है और ये क्या है आप लोगों का ये अलग है तलवार कुछ अलग चीज होती है और इंसान कुछ अलग चीज होते हैं जैसा कि मैं कहूं पेन अगर मैंने कहा पेन है ठीक है तो पेन किसको सारे जो ऑथर्स या थॉट को रिप्लेस कर रही है तो थॉट या इस ऑथर्स का हिस्सा क्या नहीं है पेन नहीं है उनकी बॉडी का हिस्सा नहीं है राइट लाइक आई विल हैव आई हैव टू फोर व्हीलर्स ओके तो उसका मतलब क्या है कि जो फोर व्हील्स हैं उसको मैं कार नहीं बोल रहा हूं ठीक है तो व्हील क्या है उसी के पार्ट हैं तो क्या होगा सिनिकडॉक होगा ओके तो इस तरह से आप लोगों को इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है बाकी मेटाफर आप लोगों का क्या है ईजी चीज है अब अगर हमने ये तो हम क्लियरली देख चुके हैं और जो मेटाफर होता है वो रिप्लेस करता है किसी ऑर्डिनरी विद द मोर फैंसीफुल जैसे हम कहें कि माय लाइफ इज हॉरिबल मेस ठीक है सो एंड समटाइम्स व्हील्स व्हील्स आर मोर फैंसिफुल फॉर कार तो आप लोग देख सकते हैं कि व्हील्स और कार वाला जो एग्जांपल एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को सिनिक सिनेकडॉक में भी दिया था तो ये सिनिक सिनेकडॉक भी हो सकता है और अगर आप लोगों के पास मेटाफर है तो ये मेटाफर भी हो सकता है लेकिन ये आप लोगों का क्या नहीं होगा मेटानमी uh, नहीं होगा ठीक है तो तीन चीज़ों में आप लोगों को ध्यान रखना है सिनिक सिनेकडाक ठीक है और तीसरा मेटाफर ये तीन चीज़ों में आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का सिनिक सिनिकडॉक में उसी का हिस्सा होता है अपना ही खुद का हिस्सा होगा मेटानमी में अपना खुद का हिस्सा नहीं होगा लेकिन रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को करेगा मेटाफर और सिनिक सिनिकडॉक तो आपके लगभग एक जैसे होते हैं अब चलिए आगे देखते हैं एंटीथिसिस अब एंटीथिसिस क्या है यहाँ पे देखिए एंटीथिसिस इज कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन तो आप लोगों ने ऊपर देखा होगा पैराडॉक्स भी यही है द रेप ऑफ द लॉक सेवनटीन फोर्टीन में था बेलिंडा रिजोल्ड टू विन टू ही अलग अलग हैं स्मॉल स्टेप इससे आप लोगों को ज्यादा ईजी समझ में आएगा एक तरफ तो बात हो रही है स्मॉल स्टेप्स की और दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है जॉइंट स्टेप की ठीक है तो जब इस तरह से कि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्ट्रे आइडिया देखने को मिले तो वहाँ पर आप लोगों का एंटीथिस होता है चार्ल्स डिकन्स का दूसरा एग्जाम्पल चार्ल्स डिकन्स का जो वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ अनफर्गेटेबल एंटीथिस मीन्स एंटीथिस हम यूजली इसे हर जगह एग्जाम्पल दिया जाता है एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप लोगों के दो तीन क्वेश्चन इससे हो जाएंगे कि ये जो कोटेशन है ये काफ़ी बार पूछी जाती है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम तो कहने का मतलब बेस्ट ऑफ टाइम भी था वर्स्ट ऑफ टाइम भी था तो दोनों चीज़ें एक साथ थी तो यहाँ पर क्या है एंटीथिस हमें देखने को मिलता है इट वॉज विजडम की एज भी थी और फूलिशनेस की एज भी थी अब बात आती है मॉरल्टी प्लेस मॉरलिटी प्लेस के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा वाले सेक्शन में काफी डिटेल से बता चुका हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एलेगरीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स क्रिश्चन लाइफ इन प्लॉट फ्राम दी क्वेस्ट ऑफ सेलवेशन तो जो मॉरल्टी प्लेस थे वो यूजली बिब्लिकल स्टोरीज़ हुआ करती थी उनको प्लेस के तौर पर दिखाया जाता था जो अगर हम बेस्ट नोन मोरल्टी प्लेस बोलें फिफ्टीन सेंचुरी का तो वो था आपका एवरी मैन इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं इंटरल्यूट लेटिन वर्ड इंटरल्यूड का जो अगर हम लेटिन लैंग्वेज में बात करें तो बिटवीन द प्ले से कहा जाता है इज़ अ टर्म अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट स्टेज एंटरटेनमेंट्स सच एज सेकुलर फॉर्सेज और विटी डायलॉग्स विद अ रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट्स इंटरल्यूड सिंपली क्या होता था कि जैसे एक लॉन्ग ड्रामा है अब उस लंबे ड्रामा के बीच बीच में क्या होता था कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के डाल देते जैसे आप लोगों ने रामायण वगैरह देखी होगी तो बीच में क्या कर दिया जाता था कुछ छोटे छोटे शॉर्ट ड्रामास डाल दिए जाते थे उन्हीं को इंटरल्यूड कहा जाता था और इंटरल्यूड बाद में डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा में उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है लेकिन यहाँ पर हम सिंपली कर क्या रहे हैं इस क्लास में हमारा जो मोटिव है वो बहुत इन डेप्थ जाने का नहीं है हमारा मोटिव है कि हमें जो टर्म्स हैं वो याद हो जाएँ और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाएँ हमारे माइंड में कि कौन सी चीज़ कैसे है ऑक्सीमोरन पैराडॉक्स और एंटीथिसिस तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ रख लिया है राइट right? ऑक्सीमोरन भी अपोजिट होता है पैराडॉक्स भी अपोजित हो, हो, होता है और आपका एंटीथिसिस भी क्या होता है अपोजिट होता है इफ द पैराडॉक्सिकल दी कंजोइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूसेस आर कॉन्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्जीमोर अल्फ्रेड टेनिसन ओ डेथ इन लाइफ ठीक है तो शॉर्ट में आप लोगों को इस तरह से अगर दिखेगा अब क्या होता है कि जैसे मैंने ऊपर आपको पैराडॉक्स एंटीथिसिस और ऑक्जीमोरन तीनों चीजों के एग्जाम्पल बताएं आपको वन बाय वन क्या करने हैं तीनों के एग्जाम्पल रट लेने हैं तीन एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि आप लोगों को इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस मिल जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा है वैसे अगर हम देखें टीजीटी या पीजीटी लेवल का देखें तो आपको ये तीनों एक साथ नहीं दिए जाते यूजली यूजीसी नेट के लेवल पे आप लोगों को तीनों एक साथ दिए जा सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल अगर आपको अपोजिट कुछ दिख रहा है और तीनों में से कोई एक है तो वही मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा एग्जाम आपका आंसर होता है तो लॉर्ड टेनिसन ने कहा ये कोटेशन आपकी ओ डेथ इन लाइफ द डेज़ दैट आर नो मोर एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि जो भी मैंने लाइंस मैं डालता हूँ अपनी पीडीएफ में वो यूजुअली कहीं ना कहीं पूछी गई होती है एग्जाम में ठीक है इसलिए आप लोगों को क्या करना है उन लाइन्स को उसी तरह से कम से कम दो चार बार आप रिपीट कर लीजिए याद रखने की कोशिश कीजिए अब बात आती है रेटोरिकल क्वेश्चन की रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है और रेटोरिकल क्वेश्चन इज सेंटेंस इन ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन विच इज नॉट आस्ट इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन बट टू अचीव अ ग्रेटर एक्सप्रेसिव फोर्स देन अ डायरेक्ट सोशन ये क्वेश्चन होता है लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जो पूछने वाला है वो आंसर नहीं चाहता आपका All right? जैसे एक लाइफ का ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं जैसे आप कहें कि आ, आ, कोई किचन में था उसने कोई चीज़ तोड़ दी और आपने उससे कहा कि जाकर अच्छा ये तो तुमने ही तोड़ा होगा है ना तो आप आपको पता है इसी इंसान ने तोड़ा है लेकिन फिर भी आप उससे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं इसको तो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन को समझने का एक आइडिया है जैसे हाँ तुमने तो इसे बर्बाद ही कर दिया होगा ठीक है अब तुम उस पूछ तो रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते कि वो आंसर दे ये ना कहे कि हाँ मैंने बर्बाद कर दिया ठीक है लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं थोड़ा चीजों को एम्फोसिस करने के लिए अब देखिए किसमें अब इनका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे है एलेक्सेंडर पोप का रेप ऑफ लॉक 1714 फोर्टीन आस बैलेंडा काफी इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा जाता है कि किस में पूछा गया है या एग्जाम्पल क्या है ये ठीक है तो एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये आपका रेटोरिकल क्वेश्चन है पूछा कहाँ पे गया है ये आपका रेप ऑफ लॉक का है गॉड्स शेल द रेविश डिस्प्ले योर हेयर वाइल द फ्लॉप्स एन वी एंड लेडीज स्टेयर तो एक क्वेश्चन है लेकिन ये आंसर के लिए नहीं पूछा गया था शेल इज ओ टू वेस्ट विंड ये एटीन ट्वेंटी में क्लोजेज विथ ओ विड ओ विंड कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा और यही सिंपल सिंपली आप लोगों को ये दे दिया जाएगा कि ओके इस लाइन में आप लोगों का क्या है एंटीथेसिस पैराडॉक्स रेटोरिकल क्वेश्चन और मेटानमी तो यहाँ पर क्या है आप लोगों का सिम्पली uh, आप लोगों का रेटोरिकल क्वेश्चन है तो इसी तरह से आप लोगों को पूछे जाएंगे अब बात आती है आयरन की अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन वॉट इज सेड एंड वॉट इज मीट और इसमें वर्बल आयरन हो सकती है और सिचुएशनल आयरन हो सकती है तो आयरनी का मतलब होता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो जिसका हम मतलब होता है मीन्स मतलब कुछ है और एक्सपेक्टेशन हमें कुछ हो रही होती है तो इसमें हम वर्बल आयरनी की बात करते हैं बातों में आयरनी हो सकती है या सिचुएशनल आयरनी हो सकती है अब इसकी मैं आप लोगों को एक सिंपल uh, सा एग्जांपल देता हूं जैसे कि कोई बहुत ही पतला इंसान है हम उसे बोलेंगे कि और और पहलवान कैसे हो तुम ठीक है तो कहने का मतलब है वो बेचारा खुद क्या है बहुत पतला है और उसे हम क्या कह रहे हैं पहलवान कह रहे हैं तो ये आप लोगों की क्या है आयरन ही है मीन्स अपोजिट हो रहा है ठीक है जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ऐसी है नहीं तो ये आप लोगों की क्या है आ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है अब आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को करने हैं कार्ड्स बनाने हैं सिंपली ठीक है और इसे एग्जैक्टली exactly आप कार्ड्स बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा आप लोगों को इसका कितना याद हुआ इसके बाद आपको लिटरी टर्म्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने वंस यू मे कार्ड्स एंड देन यू डू द दोज कार्ड्स फॉर एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट्स देन इट्स डन फॉर फॉर एब सो एम्बिग्यूटी कार्ड बनाएंगे एक तरफ आप एम्बिग्यूटी लिखेंगे दूसरी तरफ आप मल्टीपल मीनिंग लिखेंगे ठीक है एक ही कार्ड के दो हिस्से ठीक है तो इस साइड आपने एम्बिग्यूटी लिख लिया दूसरी तरफ मल्टीपल मीनिंग लिख लिया अब ये सारे जितने हैं वो सब आप लोगों को इसी तरह से करने हैं कंसीट मीन्स एक्सटेंडेड मेटाफो बार बार इसी तरह से पढ़ना है आप लोगों को पैराडॉक्स कॉन्ट्रोडिक्ट्री बट थ्रू नेक्स्ट है पैथेटिक फेलेसी एस्क्राइब एन इन एनिमेट ह्यूमन कैपेबिलिटीज सिनेकडॉक्स पार्ट्स स्टैंड फॉर अ होल ट्रांसफोर्ड एपेथेट हाइपेलेस भी इसको कहा जाता है और इंटरचेंज uh, जैसे हमने कहा था स्लीपलेस नाइट्स मेटरमी सब्सिट्यूटिंग बाई वर्ड्स मेटानोमी में हम वर्ड uh, से सब्सिट्यूट कर देते हैं चीज़ों को एंटीथिस पुट टुगेदर कॉन्ट्री थिंग्स मॉरल्टी प्लेस मॉरल्टी प्लेस का मतलब होता है प्लेज विद मॉरल मीन्स जो ड्रामाज होते हैं मॉरल एक लेसन होता है उनमें इंटरल्यूट प्लेस बिटवीन प्लेस इंटरल्यूट का मतलब ये होता है कि जो प्लेस होते हैं उनके बीच में कुछ शॉर्ट प्लेस स्पेंसेरियन नाइन लाइन पोएम एंड इससे थोड़ा सा क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप देखेंगे कि स्पेंसेरियन में टेन है राइट कि वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल कितने हैं टेन हैं ठीक है तो याद रख सकते हैं आपकी कितनी लाइंस होती हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा में तो आपको क्या करना है कि माइनस वन कर देना तो नाइन लाइंस होती हैं ये याद रखना है आप लोगों को यूफोनी यूफोनी, यूफोनी स्ट्राइक ईयर स्मूथ यूफोनी का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें कोई चीज़ क्या हो रही है बहुत स्मूथ सुनाई दे रही है अच्छी सुनाई दे रही है कैकाफोनी बहुत हार्श बहुत बुरा सुनाई दे रहा है कोई चीज रेटोरिक रेटोरिक जो क्वेश्चन होते हैं वो हम किसी चीज को ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए पूछते हैं लेकिन हम उनका आंसर नहीं चाहते Assonance का मतलब क्या होता है सिमिलर वॉवल साउंड ठीक है सिमिलर वॉवल साउंड वहां पर क्या होता है एसोनस होता है अलिट्रेशन अलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ साउंड हमें देखने को मिलता है एपिसेट एपिसेट क्या होता है ये एक एडजेक्टिव होता है या किसी का निक नेम होता है एपिग्राम ब्रीफ विटी वर्ड को क्या कहेंगे हम एपिग्राम कहते हैं अब कुछ चीजों में जैसे एपिसेट हो गया या एपिग्राम हो गया इनमें कंफ्यूजन होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे निक नेम होता है किसी का या ये किसी तरह का एडजेक्टिव है हम किसी चीज को डिफाइन करें एक्स्ट्रा डिफाइन ठीक है एपिग्राम क्या है आपका ब्रीफ विटी वर्ड है यूफिमिज्म, यूफिमिज्म क्या होता है सब्सट्यूटिंग अनप्लीजेंट वर्ड अब हम अगर हम बोलें कि यूफोनी या यूफिजम की बात करें तो हम किसी जैसे डेथ वर्ड के लिए हम क्या कर लेते हैं अगर हमें डेथ बोलना है तो हम उसको पास अवे बोल देंगे ठीक है कि न, पास अवे ही पासड अवे यस्टरडे एंड ही डाइड यस्टरडे तो डाई वर्ड क्या है थोड़ा सा हार्श है तो हमने उसे पास अवे से सब्सिट्यूट कर दिया आयरनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड सैड ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं हम ठीक है आयरनी अगर ऐसे याद ना हो तो आप बोल दीजिए कि और पहलवान कहाँ जा रहे हो ठीक है सोनेट uh, सोनेट कितने लाइन की होती है फोर्टीन लाइन का होता है कथारसिस कथारसिस का मतलब होता है प्योरीफिकेशन या पोर्गेशन ये याद रखना आपको एग्जैक्टली exactly इसी तरह से पूछ लिया जाता है हमारशिया हमारशिया मीन्स ट्रेजिक फ्लो पेरिफेशिया पैरिफेशिया सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून ठीक है अगर हम इसे डिस्क्राइब करेंगे उसमें जो ड्रामा सेक्शन होगा रिकॉग्नीशन रिकोगगनीशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ इल्यूजन ऑटोवा राइमा ऑटोवा राइमा इटालियन एक स्टेंजा uh, है और उसमें आठ लाइन होती है किस तरह से ए बी ए बी ए बी सी सी का कपलेट होता है पेट्राकन सोनेट में हमें ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ए ऑक्टे प्लस सेस्टेट मिलते हैं ऑक्टेव आठ लाइन का और सेस्टेट छः लाइन का सेस्टेट इंग्लिश सोनेट ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एन ई एफ एन जी जी ये आपका क्या है इंग्लिश सोनेट है पिंडारी कोड अब आप क्या करेंगे जब आप इन्हें कार्ड्स बना लेंगे तो आपके पास कभी इस साइड से होगा कभी पटाकन सोनेट आ जाएगा ठीक है या कभी वो कार्ड आपको उल्टा मिलेगा तो आपको कभी कभी ये मिलेगा अब यहाँ पे क्या है जब हम किसी बुक से पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये कभी चेंज नहीं होगा पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा मीन्स हमारा ब्रेन को कभी चैलेंज ही नहीं मिलेगा वो हमें सामने ही दिखाई दे रहा है लेकिन कभी कार्ड अगर आपको इस तरफ को मिल गया तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि दो चार बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या होगा ऑटोवा रमा है पटाकन सोनेट है या इंग्लिश सॉनेट है फिर आप इसे फोकस करके देखेंगे ओके तो आपका दिमाग एक तरह से कोई रीजनिंग कहीं ना कहीं बिठा लेगा कि इंग्लिश सॉनेट के लिए कि ये इंग्लिश सॉनेट है तो इसीलिए कार्ड्स बनाने का फायदा है ऐसी चीजों को कार्ड से करेंगे पिंडारी कोड पिंडारी कोड में क्या होता है ओड इन थ्री पार्ट्स ये जो तीन पार्ट होते हैं स्ट्रॉफी एंटी एस्ट्रॉफी या अपोर्ड होता है इसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है सी ठीक है सी से याद रख सकते हैं हम अब ये होता क्या है कि इसके तीन पार्ट होते हैं एक स्ट्रॉफी है एंटी स्ट्रॉफी है सॉरी ऐप है और आप लोगों का क्या है एंटी स्टॉफी है ठीक है तो इपॉड सेंटर में होता है ठीक है तो जब ये चार लाइनें बोली जाएंगी तो लोग इधर को इस साइड को स्टेज के जाते हैं जब एंटी स्ट्रॉफी वाले लाइन बोली जाती है तो स्टेज के इस साइड और सेंटर में रहेंगे तो इपॉड बोला जाता है ठीक है तो इस तरह से बट आप लोगों को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस सिंपली ये याद रखिए कि तीन पार्ट इस्टॉफी एंटी स्टॉफी अपॉर्ड या शॉर्टकट सी ठीक है वो किस में होता है पिंडारिक ओड में होता है इलेजी इलेजी क्या है आप लोगों का एक्सप्रेसिंग सौरव एंड लेमेंटेशन मीन्स दुख से भरी हुई कोई भी पॉइंट क्याज्म कियाजमस होता है पैल इन सिंटेक्स बट रिवर्स इन ऑर्डर सिंटेक्स हमें देखने को मिलता है सीधा ग्रामेटिकल uh, स्ट्रक्चर ठीक है रिवर्स इन ऑर्डर और ऑर्डर हमें रिवर्स देखने को मिलता है एब्सर्डिज्म मीनिंगलेस और विदाउट लॉजिक तो जब हम एब्सर्ड की बात करते हैं तो मीनिंगलेस की बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म हैविंग एग्जिस्टेंशियल एटीट्यूड अब ये थोड़ा सा uh, अगर आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरा समझना है इसे बहुत इजी नहीं है इसको समझाना इस बहुत शॉर्ट उसमें इसके लिए आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं चैनल पर uh, उसमें मैंने समझाने की कोशिश किया की है दो चार टर्म uh, कि एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्या है एग्जिस्टेंशियल एटीट्यूड इंडिविजुअल शुड भी स्टार्टिंग पॉइंट तो सिंपली आप समझ सकते हो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस मतलब हम पहले एग्जिस्ट करते हैं बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये प्लेरिट ऑफ नाइनटीन फिफ्टीज ने शुरू किया था सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात आती है तो ऑथर इनकॉर्पोरेट्स पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात आती है तो ऑर्थर प्रेजेंट्स द इन्वेंटेड सिचुएशंस ठीक है मीन्स अगर सब्जेक्टिव नेचर ऑफ वर्क की बात करें हम कि कोई वर्क जो है वो सब्जेक्टिव क्यों है तो अगर ऑथर ने उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तो सब्जेक्टिव है और अगर उसने इन्वेंटेड सिचुएशन यूज़ की है तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रहे कुछ लिटरेरी टर्म्स इसके अलावा जो पूछे जाते हैं वो आपका कपलेट ट्रेडिशनल फॉर्म राइमिंग पेयर्स ऑफ लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर तो सिंपली याद रखिए कि हेरोइक कपलेट में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है ये जोफ्रे चौसर ने शुरू किया था ये हम एज ऑफ चौसर में भी ऑलरेडी देख चुके हैं शी वॉज़ वर् दी वुमेन इन ऑल ह लाइफ ठीक है ये जो लिखा था ये हाउस हाउस होल्ड्स एट चर्च डोर शी हैड फाइव ये कंटेम्परिरी टेल्स में हमें पता है कि जो लिखा गया है कि उसके पास क्या है फाइव हस्बैंड हैं नेक्स्ट है आपका आइम्बिक पेंटामीटर आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है एन आइम्बिक पेंटामीटर इज अ लाइन मेड ऑफ़ फाइव पेयर्स ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस सिलेबस सिलेबल्स तो आइम्बिक पेंटामीटर में कितने आप लोगों के पास में पाँच क्या होते हैं पेयर शोंग शॉर्ट और लॉन्ग हो सकते हैं सिलेबल्स और स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड हो सकते हैं तो आप लोगों को ये बस इतना याद रखने की आई पेंटामीटर में कितने फाइव पेयर्स ऑफ सिलेबल्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं आप लोगों को ये याद रखने कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों क्या होते हैं मीन्स जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि इसमें स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड तो हमें सेलेक्ट करना होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड ठीक है इस तरह से आप लोगों को ये मिलेगा टीजीटी पीजीटी लेवल पे ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स इज रिलेटेड टू पोएट्री इसमें हमें क्या होता है अनराइम्ड लाइन्स देखने को मिलती हैं और इसमें एक uh, जो क्या है आय्बिक पैंटामीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ब्लैंक वर्स में आप लोगों को देखना है एक तो ये अनराइम्ड होता है लेकिन इसमें क्या होता है मीटर होता है नेक्स्ट है आप लोगों का फ्री uh, वर्स इसे आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं ब्लैंक और फ्री में क्या है इसमें कोई ना तो मीटर है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर है ठीक है ब्लैंक में क्या है आइम्बिक पेंटामीटर है फ्री वर्स में मीटर नहीं है पैटर्न नहीं है राइम नहीं है कोई म्यूजिकल पैटर्न नहीं है वो आप लोगों का क्या है फ्री वर्ड्स है ब्लैंक वर्ड्स में एक चीज है ये राइम तो नहीं है यहाँ पे लेकिन इसमें मीटर होता है और मीटर कौन सा है आइम्बिक पेंटामीटर ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्लैरी होता है अ विम्सिकल फोर लाइन बायोग्राफिकल पॉइंट ये आपकी फोर लाइन बायोग्राफिकल पॉइम होती है और इसे जो शुरू किया था इन्वेंट किया था वो किसने किया था एडमन क्लेरियू बेंटली और जो राइम स्कीम होती है वो ए ए बी बी बहुत इजी होती है आप लोग रिपीट करेंगे याद हो जाएगा आप लोगों को मैजिक रियलिज़्म इट्स अ जेनरा वेयर मैजिक एलिमेंट्स आर यूज जो मैजिक रियलिज़्म है वो क्या होती है आप लोगों को इसमें मैजिक magic चीज़ें मैजिकल चीज़ें डाली जाती हैं और ये आप लोगों का जो मॉडर्न लिटरेचर है वो ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है मैजिक रियलिज्म अकर्स व्हेन अ कैरेक्टर इन द स्टोरी कंटिन्यूज टू बी अलाइव बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ ऑफ लाइफ अब हो सकता है कि मैजिकल रियलिज्म हमें देखने को मिले कि जैसे हम बोलें कि एक जो कैरेक्टर था वो पाँच साल जिया ठीक है हीरो क्या था पाँच साल जिया तो पाँच साल यूजअली नहीं जीता इंसान तो इस तरह का वो हमारे लिए मैजिकल एलिमेंट हो जाएगा नेचुरलिज़्म यूज ऑफ टोटल रियालिटी ऑन द स्टेज नो गॉड नो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वुड बी शोन ऑन द स्टेज ये किसने जोला ने जोला ने 1880 में अपने ऐसे नेचुरलिज्म ऑन द स्टेज में ये बात कही थी या उसको डिफाइन किया था चीज़ों को ट्रांसेंडेंटलिज्म ये आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है बिलीव इन दिस सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड पोलिटिकल पार्टीज़ अल्टीमेटली करप्ट द प्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल तो जो transcendentalism है वो बिलीव करता है कि जो सोसाइटी और इसके institution हैं वो क्या करते हैं अल्टीमेटली जाकर लास्ट में क्या करते हैं एक इंडिविजुअल को क्या कर लेते हैं करप्ट कर लेते हैं इसका मतलब यह है ट्रांसेंडेंडलिजम का कि आ, वो political पार्टी और ऑर्गेनाइज रिलीजन में को हटाने में विश्वास रखता है ठीक है तो ये एक तरह का स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड रिलेशन इसका है और इसका मानना यह है कि जो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं इंसानों ने बनाए हैं वो इंडिविजुअल को क्या करते हैं करप्ट करते हैं एलेगरी एलेगरी फिगरेटिव नेरेटिवस कन्वेइंग अ वेल्ड और हिडन मॉरल मीनिंग यहाँ पे एलेगरी यह की जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एलेगरी का जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी जगह किया गया है जैसे होमर्स ओडिसी में किया गया है स्पेंसर्स फेरी क्वीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है बनियान्स पिलग्रेम्स प्रोग्रेस में ड्राइडेंस एप्सलम एंड एक्टोफुल हाउसर्न मार्बल फॉन ऑन वर्जीनिया वुल्स बिटवीन दी एक्ट्स उसके बाद है आप लोगों के पास बैरक अ टर्म

तो आप लोगों का जो बैलेट होता है उसमें एक वर्ड आता है एन अब एन क्या होता है एक फोर लाइन कंक्लूज़न होता है और ये डायरेक्टली इस तरह से भी पूछा जा सकता है सोनेट सीक्वेंस इन लाइंस इन इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस काफ़ी सारे लिखे गए हैं तो शॉर्ट एक uh, हम कहीं नोट्स बनाया हुआ है मैंने सिडनी ने 91 में लिखा था एस्टोफल uh, एंड इसमें 108 जीरो एट प्लस इलेवन सॉन्ग्स हैं और पैनलॉब के लिए लिखा था डैनियल ने जो लिखा था डेलिया उसमें फिफ्टी हैं और ये नाइन्टी टू में है नाइन्टी फोर में आपका स्पेंसर आया था उसने एम्यूनिटी में एटी एट लिखे थे एपिथेलमियन एल्जाबेज बॉयले के लिए लिखा गया था सिक्सटीन जीरो नाइन में शेक्सपियर के सोनेट्स आए थे उसने फेयर यूथ के लिए वन ट्वेंटी सिक्स लिखे हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो डार्क लेडी के लिए लिखे हुए हैं सिक्सटीन में लेडी मैरी रॉस ने लिखा है पेम्फेलिया उसमें फोर्टी थे और जो लेडी मैरी रॉस है वो आपकी ओनली वुमेन है मींस सिंगल वुमेन है इंग्लिश लिटरेचर में जिसने कि क्या लिखे हैं सोनेट्स लिखे हैं नाउ वी कैन सी वी वी कैन गो अहेड एंड हियर आर सम ब्लैंक वर्ड्स आई पेंटामीटर प्लस अनराइम्ड होता है ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बनाया था और कहाँ कहाँ ब्लैंक वर्ड्स यूज हुआ है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो दी विच ब्लैंक वर्ड्स इज यूज इसमें वर्जिल का एनिएड है बुक टू एंड फोर्थ ट्रांसलेटेड बाय सारे पैराडाइज लॉस्ट में हुआ है आप लोगों का द प्ल्यूड में हुआ है एडिल्स ऑफ किंग टेनिसन का और द रिंग एंड द बुक रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड सेवनटीन नाइनटी एट टिंटर नावे में वर्ज वर्थ ने भी वर्ज वर्थ ने भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है तो ये लिस्ट भी आप लोगों को याद करनी है उसके बाद हम बाकी देखते हैं सम लिटरेरी वर्ड्स एंड टर्म्स इन नेक्स्ट क्लास काफ़ी ज़्यादा मटीरियल है एक दिन के लिए लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप एक घंटे के अंदर इसको ना कर पाएँ बहुत अच्छे से थर्टी मिनट की क्लास है थर्टी मिनट बाद आप अपने कार्ड्स बनाने शुरू कीजिए और डेफिनेटली आप क्लास में इसे सारी चीज़ें कर लेंगे और काफ़ी सारा मटेरियल है एक वीडियो के लिए थर्टी मिनट में तो प्रैक्टिस सेशन अब आपको शुरू करना है और कार्ड्स बनाइए जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लास में उसे एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप सारा मटेरियल आप मग भी कर लेंगे तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड बाय